हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। बच्चों की छोटी सी भूख के लिए एक बहुत ही सुंदर ब्रेड बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा कप पोहा ले लेते हैं। इसको आप धो लीजिए और छन्नी में रखकर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। मैं करीब 5 से 6 आलू ले रही हूँ, इन्हें मोटी तरफ से कद्दूकस कर लेते हैं। डेढ़ सौ ग्राम पनीर ले लेते हैं और इसे भी कद्दूकस कर लेते हैं। इन आलू में अब हम आधा कप उबले हुए मटर डाल देते हैं, थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं, जो हमारे भीगे हुए पोहे थे वो भी इसमें डाल देते हैं। आधा चम्मच जीरा पाउडर डालें, 1 चम्मच लाल मिर्ची डालें, 1 चम्मच चाट मसाला डालें, नमक स्वादानुसार। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यदि आप हमारे वीडियो देखते हैं और उन्हें पसंद करते हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, वो बेल आइकन बटन ज़रूर दबाना ताकि जब भी मैं नया अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन झट से आ जाए। एक बर्गर को बनाने के लिए 3 ब्रेड के स्लाइस लगेंगे। इनको आप किसी कटोरी की मदद से या कटर की मदद से कट कर लीजिए। भाई, बच्चों के लिए भी तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वर्किंग सरफेस में थोड़ा ब्रेड क्रम डालेंगे। मैं एक कुकी कटर ले रही हूँ, इसमें इस वेजिटेबल और आलू के मिक्सचर को डाल देते हैं और अच्छे से दबा लीजिए। अब इस कुकी कटर को निकाल लेते हैं तो हमारी परफेक्ट राउंड पैटी बन गई। इसको हाथ से हल्का दबा लीजिए ताकि इसका साइज ब्रेड के साइज जितना हो जाए। इसी तरीके से हम दूसरी पैटी भी बना लेते हैं। एक तवा गरम कीजिए, उसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डालिए। अब इसमें हम अपनी ब्रेड को सेकने के लिए रख सकते हैं। हमको अपनी ब्रेड को अच्छी करारी और गोल्डन ब्राउन करना है। जब ब्रेड तैयार हो जाए तो इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें फिर से थोड़ा ऑलिव ऑयल या बटर डालें और अपने वेजिटेबल पोटैटो पैटीज को रख दीजिए। इसको हम हल्की आंच में 3-3 मिनट दोनों तरफ पकाएंगे। चलिए अपना बर्गर असेंबल करते हैं। एक टोस्ट में थोड़ा मेयोनीज लगा लीजिए। इसके ऊपर सलाद पत्ता या लेटस रख लीजिए। एक पैटी इसके ऊपर रख देते हैं। दूसरे टोस्ट पर भी मेयोनीज लगाकर पलटकर लगा देते हैं। इसके ऊपर टमेटो केचप लगाएं। दूसरी पैटी भी इसके ऊपर रख दें। इसके ऊपर कुछ टमाटर के स्लाइसेस लगाइए। एक चीज स्लाइस लगा देते हैं। लेटस का पत्ता लगाएंगे और फाइनली अपनी ब्रेड का तीसरा स्लाइस भी लगा देते हैं। देखिए, ये तो है हमारा डबल डेकर क्लब सैंडविच बर्गर। है ना, देखने में बहुत ही सुंदर। मुझे उम्मीद है आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। यदि रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली बार।